अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अखिलेश बिना की किचन में आपका वेलकम है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह आपको हयात तंदुरुस्ती दे। आज हम बना रहे हैं वेज एग नूडल्स बना रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे एक पैकेट लेके इसे नूडल्स को उबाल लिया है। आगे का स्टेप स्टार्ट करती है। यहाँ मैंने तेल रख दिया है गर्म करने के लिए। ये मैंने लिया है 2 सर्विंग के करीब लिया है तेल। तेल गर्म हो गया है, इसी में मैंने अंडा भी डाल दिया है। इसमें डालूंगी 1/4 टीस्पून नमक और थोड़ी ये हरी मिर्चें। बस इसे अच्छी तरह से हम फोड़ लेंगे। अभी यहाँ देखिए अच्छे से अंडा पक गया है, इसे मैं अभी निकाल लूँगी। मैंने फिर वही बर्तन ले लिया है, इसमें तेल डाल रही हूँ 2 सर्विंग के करीब। देखिए मैंने सब्जी में लिया है आधी शिमला मिर्चें ली है मैंने, और 1/4 मैंने लिया है कैबेज, बंद गोभी ली है, और 1 मीडियम मैंने गाजर ले ली थी, और 2 मीडियम प्याज ले ली है। इसे रफली चॉप कर दिया है। यहाँ तेल गर्म हो गया है, इसमें मैं पहले प्याज से डाल रही हूँ। यहाँ प्याज से डाल दिया है, इसे सौटे कर लेंगे हल्के हल्के हाथों से। लाल नहीं करना है, बस हल्के हल्के हाथों से सौटे करना है बस। यहाँ देखिए प्याज हमारी पिंकी पिंकी सी हो गई है। यहाँ पर मैं सारी सब्जियाँ डालूँगी। अभी देखिए यहाँ पे मैंने सारी सब्जी भी डाल दी है, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम। यही 4 मैंने मिर्ची लेके बारीक चॉप कर लिया था, ये डाल दिया है। ये देखिए अच्छे से सॉटे हो गई है। यहीं पे मैं अभी नूडल्स डालूंगी। यहाँ देखिए मैंने नूडल्स डाल दिया है। यहाँ डाल रही हूँ 1 टीस्पून सोया सॉस, ये डार्क सोया सॉस है। 1/2 टीस्पून विनीगर, वाइट विनीगर डाला है। यहाँ ग्रीन चिली सॉस डाल दिया है। यहाँ पे 1.5 टीस्पून जाएगा, मैंने 1 टीस्पून डाला है, 1/2 और डाल रही हूँ अभी। यहाँ मैंने 1/2 टीस्पून भी डाला, 1.5 टीस्पून हमारा गया है चिल्ली, ग्रीन चिली गई है सॉस। यहाँ डाल रही हूँ चिल्ली सॉस, मैंने यहाँ पे 1.5 टीस्पून डाल दिया है चिल्ली सॉस, और 1.5 टीस्पून ग्रीन चिल्ली सॉस डाल दिया है, और इसे आप चलाएंगे अच्छे तरह से। और यही डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून हमारा नॉर्मल नमक जो है मैंने वो डाल दिया है, क्योंकि सोया सॉस हमारा डार्क सोया सॉस भी डाला है, नमक रहता है, विनेगर में भी नमक रहता है। और पैकेट हमने 1 लिया था नूडल्स का। तो यहाँ देखिए नूडल्स तैयार हो गई है, जो हमने अंडा बना के रखा था, मैंने ये अंडा भी डाल दिया इसमें। देखिए एग हमारी नूडल्स तैयार है। चलिए मैं डिश आउट कर लेती हूँ। यहाँ देखिए मैंने डिश आउट कर लिया है, थोड़ी हरी स्प्रिंग जो है स्प्रिंग ऑनियन, उससे मैं गार्निश कर लेती हूँ। ये देखिए ये देखिए हमारी एग भुर्जी। देखिए मैंने गार्निश कर दिया है स्प्रिंग ऑनियन से। ये देखिए लग रही है ना एकदम बाजार जैसी। ये देखिए हमारी एग नूडल्स तैयार है एकदम माशाल्लाह। देखिए कितना कलर अच्छा चढ़ा है इस पर, खाने में वाकई बहुत ही टेस्टी है। आप रेसिपी को प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिए। देखिए हमें घर में ही इतनी इजी और यूनिक तरीके से सीखने मिल रहा है, और घर के ही मसाले यूज़ हो रहे हैं। एकदम सिंपल रेसिपी मैंने आपके लिए लेकर आई हूँ। देखिए अच्छी लगी ना आपको। चलिए अगर आप मेरे चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। मेरी रेसिपी पसंद आती है लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। फिर मैं मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए।